चलो भाई लोग, चलो मैं वापस आ गया हूँ वही समस्या के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि GTA 6 का जो ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बट ये कब आएगा? 2025 और डेट दे दिया इन लोगों ने, डेट नहीं यार, लेकिन 2025 में PC पे नहीं आएगा ये इनका कंफर्म हो चुका है। रॉकस्टार ने एक प्रेस रिलीज निकाला और उन लोगों ने बताया कि भाई 2025 में ये PS5 और एक्सबॉक्स पे रिलीज होगा, कोई PC का मेंशन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ। PlayStation 5 जो है, सोनी मार्केटिंग पार्टनर है GTA का, रॉकस्टार का, तो मार्केटिंग करता है। 2013 में जब GTA 5 रिलीज हुआ था तो उस समय भी वो PC पे आया नहीं था, एक्सबॉक्स और PS3 पे आया था। तो PC पे आया कब? PC में 2015 में आया था, 2 साल बाद, 2 साल लगा था। रॉकस्टार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कॉन्सोल पे इतने पॉपुलर बेस है ना उनके गेम्स के, कि जो उतना पॉपुलर बेस जो है बाकी कहीं नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है 2 साल 3 साल बाद भी गेम अगर रिलीज करेगा लोग खेलेंगे, वापस खरीद खरीद खेलेंगे। मैंने 4 बार खरीदा है GTA 5, 4 बार PS3, एक्सबॉक्स और PS4 और PC, 4 बार खरीदा है, तो इतना पॉपुलर था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रॉकस्टार ने स्क्रीन पे देखो ऑलरेडी वो प्रेस रिलीज दे दिया है कि भैया एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और PS5 पे आएगा, PC का कोई जिक्र नहीं है। खैर ये तो हो गई PC वर्सेस कंसोल की बात, तो आगे एक और बात करूँगा। कुछ फ्री वाले लोग भी हैं जो चाहते हैं कि फ्री में एक नया गेम उनको मिले। कुछ नमूने हैं एक्सबॉक्स के, एक्सबॉक्स प्लेयर है, पता ही होगा एक्सबॉक्स पे गेम पास है जहाँ पे फ्री में गेम मिलते हैं। फ्री मतलब मंथली कुछ चार्ज लेता है, पूरा पैसा पे नहीं करना पड़ता। अब उन लोगों ने एक नया ट्रेंड निकाला, बायकॉट GTA 6, क्योंकि वो गेम पास पे नहीं आएगा, उनको फ्री में नहीं मिलेगा। तो ये स्क्रीन पे देखो, ये कुछ नमूनों का ट्विटर है, ट्वीट है, देखो दो बंदे हैं ये। तो इस तरह से एक्सबॉक्स वालों ने बैकआउट करना शुरू किया कि हम भाई पैसा नहीं देंगे, कि एक्सबॉक्स गेम पास पे हमें फ्री को मिलता है गेम, तो हम ये गेम नहीं खरीदेंगे, हमको गेम पास पे लाके दो। भाई ये तो हद हो गई, मतलब इतना बड़ा बड़ा कंसोल खरीदते हो और पैसा नहीं है तुम्हें गेम खरीदने का, वो भी नया गेम के लिए तुम्हें पैसा नहीं पे करोगे। ये जब सा ट्रेंड है बेवकूफों वाला, एक्सबॉक्स वाले सुधर जाओ भाई, क्या कर रहे हो? इतने पैसे लगा के, बिलियन बिलियन डॉलर लगा के लोग जो है गेम बनाते हैं, तुम ऐसा ट्रेंड चला रहे हो, फालतूगिरी है। तो चलो एनी वे, मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है कि जैसे GTA 5 2013 में कंसोल पे आया था, 2015 में PC पे आया था, और इंडिया के लोगों को तो 2020 में जो है ये GTA 5 का हाइप पड़ा, तो उनको पता ही नहीं है कि भाई पास्ट में GTA के साथ हुआ क्या है, उनको पता ही नहीं है। वो 5 ईयर्स बाद, 5 नहीं 7 साल बाद इंडिया में GTA 5 का ट्रेंड आया, ठीक है ना? 2000 जब पी 2020 2019-20 में, और वो भी उस समय जब पबजी बैन हो गया तब। तो भाई तुम इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंडिया में जो रहते हैं वो ट्रेंड पता ही नहीं है। रॉकस्टार और GTA का जो हिस्ट्री है भाई, वो सिंपल सी बात है, वो PlayStation पे वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आना, क्योंकि वो बहुत पुरानी उनकी डील है, सोनी मार्केट करता है उनके गेम्स को, तो वो पुराना है। बहुत बैकस्लैश भी उस टाइम भी 2013 में भी हुआ था, लेकिन भाई उन्होंने बोला भाई हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर, ठीक है ना? अभी भी वर्ल्ड का नंबर 1, हिस्ट्री में नंबर 1 गेम है ये GTA 5, सबसे ज़्यादा बेचने वाला। तो खैर एनी वे, 2027 तक मेरे को लगता है ये गेम आ जाएगा, 2027 तक आएगा, तो आगे मेरा बेटा आगे वो 2000 स्कूल से, 2027 तक ये गेम आ जाएगा, तो
करो। हाँ हाँ 2027 तक मेरा कैलकुलेशन करता है, जैसे GTA 5 के साथ हुआ था, आ जाएगा। तो 2027 में देखो भाई, आ जाए, हो सकता है 2026 में, लेकिन 2025 में तो भूल जाओ। इसलिए मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं प्लेस्टेशन 5 लेने वाला हूँ गेम खेलने के लिए। तो चलो भाई, एनीवे भाई, कमेंट कर देना, लाइक करना और शेयर कर दो इस इन्फॉर्मेशन को। अब भाई चलो भाई, इंजॉय करो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में। भारत माता की जय।